टेंथ का सेकंड पार्ट, ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर, इन फ्यूचर द रेशियो बिटवीन, आपस में ए और बी का रेशियो 2:1 होगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ध्यान से देखना। ए एंड बी आर पार्टनर्स, कुछ मेंशन नहीं है तो उनका आपस में रेशियो क्या होगा? इक्वल। कुछ मेंशन है उनके रेशियो के बारे में? नो। तो क्वेश्चन नंबर 10th का सेकंड पार्ट, ए एंड बी ओल्ड रेशियो वॉज 1:1, कुछ मेंशन नहीं था उनके ओल्ड रेशियो के बारे में। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सी एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, इन फ्यूचर द रेशियो बिटवीन ए एंड बी विल बी 2:1। अब ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सी का 1/4 शेयर है, उसको कौन दे रहा है? कुछ मेंशन्ड है? सी को ये 1/4 कौन दे रहा है? कुछ मेंशन्ड है? नो सर, मेंशन्ड नहीं है। ए और बी देंगे, बट क्या उनका फ्यूचर में आपस में रेशियो सेम रहता है या चेंज हो जाता है? चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता है, तो ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो कह रहे पहले तो सी को दे दो 1/4, तो ध्यान से देखना इनमें क्या करना चाहिए। पहले कैलकुलेट करना चाहिए रिमेनिंग शेयर, ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सी को 1/4 दे रहे हैं, ये तो पक्का पता है, तो कितना बच जाएगा? 3/4 होगा रिमेनिंग शेयर। उसको कौन बांटेगा? ए और बी, यस और नो? उसको ए और बी बांटेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे? वो उसको आपस में 2:1 के रेशियो में बांटेंगे। तो इन फ्यूचर द रेशियो बिटवीन ए एंड बी विल बी 2:1 का मतलब जो सी को देने के बाद बच जाएगा वो ए और बी 2:1 के रेशियो में बांटेंगे। ए को मिलेगा इसका 2/3, बी को मिलेगा इसका 1/3। कैसे कैलकुलेट करेंगे ध्यान से देखना। न्यू रेशियो डायरेक्टली कैलकुलेट होगा, कोई फॉर्मूला नहीं। ए को क्या मिलेगा? 3/4 का 2/3, और बी को क्या मिलेगा? 3/4 का 1/3। 3/4 था रिमेनिंग शेयर, उसको ए और बी आपस में 2:1 के रेशियो में बांट रहे हैं। समझ आया क्या हुआ? Yes. ए को मिलेगा 6/12, बी को मिलेगा 3/12, ये इनका न्यू रेशियो था। सी का गिवन ही था हमें, ही इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, तो 12 के टर्म में अगर बात करें तो 3/12। तो न्यू रेशियो ए बी सी 6:3:3, 3 से कट रहे हैं ये, 3, 2:1:1। अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन 10th का सेकंड